में छोटी सी बात आपसे अपील करना चाहती हूँ। जो कौम अपनी बड़ाई करती रहती है, अपना आत्मचिंतन नहीं करती, उसकी गति रुक जाती है प्रगति की। पहले भी बात कही गई, लेकिन मैं तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। हमारी युवा पीढ़ी बड़ी आकर्षित हो रही है, एक नशे की आदत, एक अपराधों की तरफ आकर्षण, और एक लापरवाह तेज ड्राइविंग के प्रति आकर्षण। नशे का तो ये हालत है, मैं देखती हूँ इसको बुराई नहीं समझते, लोगों ने इसको फैशन समझना शुरू किया है। फेसबुक पर बड़े शान से डालते हैं, भाइयों फलाने भाई के दो दुकानें निकल गई हैं। तो क्या ये प्रसाद बांटने की बात है? महिलाओं के नाम से लॉटरी डाली एप्लीकेशन लगाते हैं, और महिला जो घर की लक्ष्मी होती है उसका नाम बाजार में दारू के ठेके के ऊपर लिख देते हैं। ये ठीक चीज नहीं है। नशा घर को बर्बाद करता है, प्रतिष्ठा को बर्बाद करता है, और महिलाएं तो बहुत दुखी हैं इस चीज से। आप कल्पना कीजिए, माँ बाप ये सोचते हैं कि बेटा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, और वो बेटा दारू के नशे में आंखें तैरती हुई और टल्ले खाता हुआ घर आता है। क्या बीतती होगी माँ बाप के ऊपर? सारे अपराध नशे के कारण होते हैं, सारे एक्सीडेंट नशे के कारण होते हैं। इसलिए इस चीज से दूर रहने की जरूरत है। और मैं आपको साफ साफ कहती हूं, याद रखिए मेरी बात, आपका युवा का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आदमी पहली बार आपको ये कहता है पीलो बियर दारू नहीं होती, पीलो, बड़े आदमी भी सारे दारू पीते हैं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाय की आदत भी छूटनी मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज अपराध, एक खास चीज जो मैंने देखी बड़ी नकारात्मक, अपनी अपनी जाति के अपराधियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया है सबने, पितर बना दिया है अपनी अपनी जाति के अपराधियों को। ये अपराधी खुद बर्बाद होते हैं और अपने पीछे पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे खिलाड़ी दिल्ली के, जिन्हें आज मेडल जीते हुए लोगों की गिनती में होना चाहिए था पहलवानी में, अपराध के कारण आज दिल्ली में जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। ये हमारे लिए दुख की और शर्म की बात है। और तीसरी चीज तेज ड्राइविंग, 1,00,000 युवक, बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं, 1,00,000 युवक जान गंवाते हैं हर साल लापरवाह ड्राइविंग के कारण। आप सोचिए, 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती? आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए, आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी है। एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूँ, हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं, जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग छोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। और उसके बाद दुख का विषय है, बड़ा पीड़ादायक सीन मैं कई जगह देखती हूँ कि एक माँ बाप मेहनत करते हुए हाथों में आइटन पड़ जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, कपड़े मेले फट जाते हैं, और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। आज हमारे 60-70% घरों में हालत यह है कि बुजुर्गों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इज्जत से रोटी नहीं मिल रही। इस चीज को बदलने की जरूरत है। माँ बाप, मैं आपसे कहती हूँ, जैसी भी परिस्थिति होती है, माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं, आपकी भी ड्यूटी है, जैसी आपकी हैसियत है, बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अभी जब बात आई है तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये ओंकार जी खड़े हैं, कोरोना फैला, कोरोना से अपनी माता जी को बचा नहीं पाए, लेकिन उस काल में जब इतना खतरनाक माहौल था, इन्होंने अपने माताजी की इतने प्यार से सेवा की,
इतने सम्मान से सेवा की कि पूरा जो कोविड हॉस्पिटल है वो आज भी इनकी सेवा का उदाहरण देता है। इस तरह से माता पिता की सेवा कीजिए, वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। और माताएं बहनें बैठी हैं, एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं कह रही हूं, बेटियों को समझदार बनाइए, बेटियों को बेटा मत बनाइए, क्योंकि बेटे तो लापरवाह होते हैं। बेटियों को समझदार बेटी बनाइए, जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाइए कि वो साथ अपने घर की इज्जत लेकर के जाती है। बेटियों को समझाइए कि कैसे लोग मीठी मीठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं। और अपनी बेटी को संस्कार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससुर की सेवा करे। आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है, बेटियां माँ मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती है। ये गलत चीज है, औरत घर की धुरी होती है। अगर वृद्ध लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे वृद्ध लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा, इनकी जिंदगी खुश कैसे होगी। इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संस्कारवान हो, जब वो मेहनती हो, जब वो शिक्षा पर ध्यान दे। हमने ये सब किया है, मैं आपको बधाई देती हूँ, लेकिन आगे इन सामाजिक चीजों। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपए से 1200 रुपए स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहे, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।